नरेंद्र मोदी ने संसद में संसद की सदस्यता ले ली, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बिहार में उनको घेर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत साबित अभी नहीं कर पाए हैं संसद के अंदर। इधर विपक्ष ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछते हुए सुबह सुबह 33 बिंदुओं पर डबल इंजन की सरकार को घेर दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर पत्र लिखा है, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखारविंद से बिहार में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर दो शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय और विकासशील बिहारी कहते हैं, आपके चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2 से 3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्पसूची साझा कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोग जानते हैं और बताते हैं कि जब बिहार में चुनाव होता है तभी आपको जंगल राज के सपने आते हैं, इसके बाद बिहार में आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको 2-3 दिनों की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक सूची है। पहले शेखपुरा में डबल इंजन सरकार में डबल पावर से लैस अपराधियों ने 8 साल की बच्ची की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। कैमूर में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। अपराधियों ने तांडव मचाया, सिविल कोर्ट के स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। मधेपुरा में बेलगाम अपराधियों ने ईंट और पत्थरों से सिर और चेहरों को कूच कूच कर युवक की निर्मम हत्या कर दी। अररिया में 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर अपराधियों ने शव फेंक दिया। बेतिया में अपराधियों ने पत्रकार पर चाकू से जानलेवा हमला किया। सीतामढ़ी में सत्ता संरक्षित लुटेरों ने सीएसपी संचालक के साथ सरेआम 8 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मुखदर्शक बनी रही। एनडीए के स्थानीय सांसद जातीय बदला लेने में व्यस्त और मस्त हैं। नालंदा में भगवा गमछाधारियों ने स्कूल में घुसकर हेडमास्टर को गोली मार दी। सिवान में एडीजे 1 के कर्मचारी को गोली मारकर हत्या। नवादा में 3 महिला की संदिग्ध हालत में मौत। समस्तीपुर में सरकारी अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की, 2 लोग घायल। मोतिहारी जिला अंतर्गत थाने के हाजत में युवक की संदेहास्पद मौत। छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोली, गोलीबारी में 1 की मौत। भोजपुर में गोलियां चली, 1 की मौत। नालंदा में सरकारी अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में 2 अलग अलग इलाके से एक युवक एक गर्भवती महिला का शव मिला। बेतिया के सिकटा में बच्चे के छत पर शव। वैशाली के बाजार में सरेआम घटना। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बोकामा में सत्ता प्रमाणित खूंखार सरकारी गुंडों के द्वारा फायरिंग। पटना में आपराधिक घटनाएं। दानापुर में बीजेपी नेता के बेटे के अपहरण। मुजफ्फरपुर में किशोर को बंधक बनाकर पीटा गया। शराबी अपराधी ने लड़की के मुंह में मारी गोली। पटना के बैरिया में अपराधियों का सीधे तौर पे महिला की हत्या करके फेंकने की घटना। शेखपुरा में दबंगों की दबंगई। रोहतास में कानून की धज्जियां उड़ा रहे दारोगा। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया। वैशाली में फायरिंग। पटना के पंडारक में महिला को गुंडे ने बैंक जाने के दौरान रुपए छीन लिए। पटना के बाढ़ में पिस्तौल के बल पर मां बेटी को छेड़ा गया। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े दलित की हत्या कर दी। भागलपुर में ही दूसरी घटना है कि महिला प्रोफेसर से 50 लाख की ठगी हो गई। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपके लिए खबर है जहां तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि एक तरफ गुंडे चला रहे हैं बिहार में सरकार, और दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तब उनको केवल बिहार में जंगल राज देता है। 2-3 दिनों में 33 से ज्यादा घटनाएं घटी हैं बिहार के अंदर। क्या इस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे? सवाल तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से पूछा है और निशाने पर नीतीश कुमार है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।